और वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज आरजी कर अस्पताल पहुंचे और वहां स्थिति का जायजा लिया। कल रात भीड़ के तांडव के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने आरजी कर अस्पताल का दौरा किया। राज्यपाल जैसे ही अस्पताल पहुंचे, उनके सामने घटना से नाराज डॉक्टर्स ने नारेबाजी की। राज्यपाल के सामने प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स ने वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। इस दौरान राज्यपाल ने छात्रों से बात की, लोगों को न्याय का भरोसा दिलाया। You will get justice. I have come here to listen to you personally. I am with you. We will fight it out. We will win. We shall overcome. We will not allow these ghastly things to be done about our sisters anymore in the state. We are all with you. Our eyes and ears are open. We will fight it out everywhere to see that justice is given to the youngsters. We are with you. We will work together. And I will devote myself at your service. आरजी कर अस्पताल के अंदर जो भीड़ उत्पात मचाने के लिए घुसी, उनके चेहरे कैमरे में कैद हुए हैं। कोलकाता पुलिस ने जिन उपद्रवियों की तस्वीरें जारी की, उनमें 9 को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी के खिलाफ भी एक्शन की तैयारी है। इन तस्वीरों को देखिए, इनके चेहरों को देखिए। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में बीती रात उत्पात मचाने वाले ये चेहरे मेडिकल फील्ड से तो कतई नहीं दिख रहे। हाथों में लोहे की रॉड, डंडे लेकर घुसे इन गुंडों ने अस्पताल में जो मिला उसको तोड़ डाला। देखिए ये कैसे ग्लास गेट पर रॉड चला रहा है। आधी रात को इन उपद्रवियों ने करीब घंटे भर अस्पताल को हाईजैक कर लिया। उनके हाथ जो आया उसमें तोड़फोड़ कर दी। इनकी तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। आप देख सकते हैं कि एक एक उपद्रवी साफ साफ नजर आ रहा है। इन तस्वीरों को भी देखिए, अस्पताल में घुसने से पहले गिराए गए बैरिकेड पर उपद्रवी खड़े हैं। कुछ उपद्रवियों ने चेहरे को कपड़े से ढक रखा था। अस्पताल के अंदर के कई गेट को तोड़कर उपद्रवी घुसे। उस दौरान पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। तोड़फोड़ पर आमादा इन गुंडों के साथ हुई भिड़ंत में कई पुलिस वाले घायल भी हुए हैं। घटना के बाद अब इन सबके खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी की जा रही है। और आरजी कर अस्पताल में हिंसा की सबसे नई तस्वीर सामने आई है, जिसमें हजारों की संख्या में भीड़ अस्पताल में घुसती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। आरजी कर अस्पताल के बाहर लोगों का हुजूम, कुछ ही देर में ये भीड़ बेकाबू हो जाती है। अस्पताल के गेट को तोड़ने के बाद भीड़ अंदर दाखिल होती है। हालांकि भीड़ को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। तस्वीरों में धुआं देखा जा सकता है। दरअसल कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में बुधवार रात भारी हिंसा हुई। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़े, संपत्ति क्षतिग्रस्त की, आगजनी की, पत्थरबाजी भी की गई। देखते ही देखते मेडिकल कॉलेज में अराजकता फैल गई। आलम यह रहा कि उग्र भीड़ ने अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड को भी नहीं छोड़ा। ये विरोध प्रदर्शन डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के विरोध में था, लेकिन देखते ही देखते भीड़ हिंसा पर उतर आई। पुलिस आयुक्त और तृणमूल सांसद अभिषेक ने हिंसा की निंदा की। हालांकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इतने कम समय में इतनी भीड़ कैसे जुट गई।